next heading classification of material on the basis of stress strain curve. Classification of material on the basis of stress strain curve, elasticity and plasticity. Elasticity and plasticity. तो देखिए, when the stress, when we draw graph between stress and strain, then we get graph like this. ठीक है, for elastic material, for elastic material, ठीक है, and for तो for brittle material, हाँ, when you stress graph between stress and strain, for elastic material then you get graph like this. ठीक है, तो देखिए इन सभी ग्राफ में कर्व हमारे जो है डिफरेंट नेचर, कर्व है डिफरेंट शेप, डिफरेंट नेचर ना. ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें आ जाए इस कर्व में, तो ओ से ए तक क्या हो रहा होगा, ओ से ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच लीनियर रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन ना. आई विल इंक्रीज स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज, जैसे से हम इससे बाहर जैसे स्ट्रेस को लिए रख रहे हैं, स्ट्रेस पर घुमा लिया है ना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन. कैसा रिलेशन है? लीनियर. जैसे इतना स्ट्रेस रखा मैंने तो इसके करस्पोंडिंग स्ट्रेन ये मिल रहा है. स्ट्रेस हमने बढ़ा दिया तो स्ट्रेन हमारा ये हो गया, स्ट्रेस और बढ़ाया तो स्ट्रेन और बढ़ गया ना. तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? बढ़ गई ना. ठीक है, और दिस चेन इज प्रोपोर्शनल. ये क्या है? प्रोपोर्शन चेंज है. स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है. और दिस होल्ड अप टू पॉइंट ए. कहां तक होल्ड कर रहा है? ए तक होल्ड कर रहा है ना. इसलिए पॉइंट ए को क्या कह रहे हैं? पॉइंट ओ ए रीजन को क्या करें? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हैं. क्या करें? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना. ठीक है, अच्छा उसके आगे जो है क्या दे रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा है, मान जो चेंज है हमारा इंक्रीज इन लेंथ है, स्ट्रेन इज रैपिड ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस. माने लीनियर रिलेशन नहीं मिला, ज्यादा मिला. अब स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं बल्कि थोड़ा भी स्ट्रेस लगा ले तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, लेकिन बी तक जो है अगर हम स्ट्रेस हटाते हैं तो बॉडी हमारी जो है इनिशियल लेंथ ले लेंगे. क्या ले लेते हैं? बी ए ओ से ओ ए बी से आपका चेंज हुआ था, और जैसे आप डिफाइनिंग पॉइंट हटाइएगा बॉडी क्या करेगी? बी ए ओ के नाम वापस हो जाएगी. जिस कर्व के नाम जा रहे उसी कर्व के नाम, या जिस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे उसी पाथ को फॉलो करते हुए बैक हो जाएगी ना. ठीक है, तो बी क्या कहला रहा है? इलास्टिक लिमिट कहलाएगा. क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहाँ तक बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी हुई है. जैसे आप फोर्स हटा रहे डिफाइनिंग फोर्स, बॉडी एग्जैक्टली अपनी इनिशियल सेफ साइड ले लेते हैं ना. लेकिन बी के बाद जो है बॉडी में थोड़ा सा परमानेंट सेट हो जाता है. आप स्ट्रेस हटा लीजिएगा तब भी बॉडी में थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगा. थोड़ा बहुत चेंज क्या होगा? आ जाएगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा. अब जेट पर में ले ये चीज जो सी तक है, तक है सी तक ना. अगर सी पार्ट पर हम जो है सी तक हम स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेस हटा देते हैं तब भी बॉडी में वो सी के बराबर स्ट्रेस परमानेंट जनरेट हो जाएगा. अब इनिशियली एग्जैक्टली ओपन नहीं आएगा बल्कि सी पर बैक होगा. कहाँ पर बैक होगा? सी पर. मैंने उसी स्ट्रेन के बराबर इसमें लेंथ हमेशा हम इसके लिए बढ़ जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है. ठीक है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, बहुत हल्का सा चेंज हो रहा है, बट स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली. और डी पर क्या हो जा रहा है? स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है ना. इसके बाद अगर हम सारे वेट बढ़ाते हैं, सारे स्ट्रेस को जीरो कर दें, तब भी लेंथ बढ़ती जाएगी. लेंथ क्या होगी? स्ट्रेन बढ़ता जाएगा. माने वायर बिकम थिनर एंड थिनर एंड रिचेस टू पॉइंट डी एंड ब्रेक. ठीक है, डी पर जो है सारा वेट हटा दीजिए. इस पर जो जो भी है आपने वायर पर लोड किया था सारे लोड हटा दीजिए, तब फिर इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी. और बढ़ते बढ़ते ई पर पहुंचते पहुंचते क्या होगा? टूट जाएगा. है, तो डी पर जो है स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो गया ना, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं बेयर कर सकती है ना. तो क्या कहला था? ब्रेकिंग स्ट्रेस कहला था. क्या कहला था? ब्रेकिंग. ठीक है, तो चलिए अब आ जाए. तो देखिए इसमें बी तक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें मेंटेन है. बी तक इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? मेंटेन ना. बी के बाद इसमें थोड़ा प्लास्टिसिटी जनरेट हो जा रही है ना. और सी तक जो है हाँ, तो देखिए तो बी के बाद जो रीजन है क्या कहला
इसी प्लास्टिक रीजन के बेस पर जो है हम मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्लास्टिक लेंथ के बेस पर हम मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ मटेरियल में एक प्लास्टिक रीजन क्या होता है ज़्यादा होता है, कुछ मटेरियल में प्लास्टिक लेंथ क्या होती है, मैंने बी सी डी ई लेंथ हमारे क्या प्लास्टिक लेंथ है, प्लास्टिक रीजन है, तो ये इस कुछ मटेरियल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, डक्टाइल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डक्टाइल है। तो डक्टाइल क्या होते हैं, दो मटेरियल कोई है लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, लॉन्ग प्लास्टिक रीजन क्या कहलाते हैं, डक्टाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल को जो आप जो है इनकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, इनको आप पीट पीट करके थिन कर सकते हैं ना, इनकी प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जल्दी से टूटेंगे आप इनको थिन से थिन करते 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 चले जाइए, हाँ जब थिन से थिन करते चले जाइए तो ये टूटेंगे जल्दी से, हाँ इन पर आप स्ट्रेस लगाइएगा तो इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, जल्दी से नहीं टूटेंगे, हाँ। तो ऐसे मटेरियल क्या करते हैं, डक्टाइल करते हैं, क्या करते हैं, डक्टाइल करते हैं ना। तो जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन सबको आप पीट कर करके थिन कर सकते हैं ना। इसलिए कॉपर है, वायर किसका बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है, गोल्ड का बनाया जाता है, सिल्वर का बनाया जाता है, या जैसे ज्वेलरी माने जैसे आप गोल्ड को थिन से थिन कर सकते हैं ना, इसलिए गोल्ड का या सिल्वर को थिन से थिन कर सकते हैं, इसलिए इसमें काम करते हैं ज्वेलरी बनाने में ना, ठीक है, क्योंकि ये पतला पतला आप कर सकते हैं, हल्का सल्का कर सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल ऐसे होंगे जिनको कि आप पीट पीट करके पतला कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, है जल्दी से टूटेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आएगा, आयरन आएगा, आयरन निकेल कोबाल्ट, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल या मैलेबल मटेरियल कौन होगा, गोल्ड होगा, कौन होगा, गोल्ड, गोल्ड को आप पतला से पतला कर सकते हैं, उसके बाद सिल्वर ना, ठीक है, कॉपर ये सब है, इसलिए जो है ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर की बनाई जाती है, निकल ये सब यूज होता है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होंगे, बताओ मटेरियल विच है लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, जो मटेरियल लॉन्ग प्लास्टिक रीजन होंगे रखेंगे क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, ठीक है। तो मटेरियल हैविंग लॉन्ग प्लास्टिक रीजन आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे ना, मटेरियल हैविंग लॉन्ग डक्टाइल रीजन ना, लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, सॉरी लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन आपको क्या है, बी सी डी ई इज कॉल्ड डक्टाइल, इज कॉल्ड डक्टाइल, they can be weakened and made thin and thin see or wire the type is called ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या ले रहे हैं कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है इलास्टिक लिमिट से काफी डिस्टेंस पर, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है इलास्टिक लिमिट से काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा दूसरा है ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल जैसे नमक है, नमक का पीस ले लीजिए, नमक का पीस सॉलिड नमक देखा या कोयला है, कोल है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं जो लकड़ी जलने के बाद जो मिलता है कोयला ना, अगर उसको हैमर उस पर हैमर मारे तो क्या होगा, हाँ इट ब्रोकन इनटू पाउडर्स स्मॉल पीसेस ना, ठीक है। तो मतलब उसमें जो है जैसे आयरन सीट है तो आयरन प्लेट को मारते नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा तो पतला होता जाएगा, और मारेगा और पतला होता जाएगा ना, और पतला हो जाएगा ना, लेकिन नमक है कोयला है ऐसे मटेरियल पर अगर एक हैमर मार ले तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े पीसेज में बदल जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, इसमें प्लास्टिक रीजन क्या होता है बहुत छोटा होता है, माने ये बी सी डी पार्ट बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का पॉइंट है, माने डी पॉइंट जो है वेरी क्लोज टू इलास्टिक पॉइंट होता है, वेरी क्लोज टू इलास्टिक पॉइंट है, माने डी आपका यहाँ पर है, इसमें डी जो है ए की क्लोज है, बी की क्लोज है ना, इसमें
प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल और ब्रेकिंग स्ट्रेस इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक इलास्टिक के बिल्कुल होता है ना, ठीक है। इसलिए जैसे हल्का से आप जो है फोर्स लगाइएगा सर, जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तुरंत टुकड़े टुकड़े में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। तो ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट इज वेरी स्मॉल, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज वेरी क्लोज टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। और प्लास्टिक रीजन आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा, बी जी आपका बी सी डी पार्ट प्लास्टिक रीजन होता है, तो बी सी डी पार्ट देखेंगे छोटा सा ना, तो जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बराबर इलास्टिक लिमिट से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया ये पीसेस में ब्रेक हो जाए, पीसेस में पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मटेरियल आपके क्या कहेंगे, बैटरी मटेरियल कहेंगे। ऐसे मटेरियल क्या कहेंगे, बैटरी मटेरियल ना। तो जैसे आपका ड्राई क्ले है, ड्राई क्ले ना, या कोल है, हाँ, या सॉलिड सॉल्ट है, सॉल्ट क्रिस्टल है, ये सब इसमें आते हैं। तो या जैसे ग्लास है, ग्लास ना, तो ग्लास पर अगर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा बताओ, इलास्टिक ग्लास की जो इलास्टिक लिमिट होगी उससे थोड़ा फोर्स लगाएगा, ग्लास ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस ना होता है। या आपका ड्राई क्ले बार ना, ड्राई क्ले का बार बना लीजिए, क्ले का बार बना कर सूखे क्ले मैंने ड्राई के लिए बार बार एक है मैं मान लेते होगा छोटे पीस पाउडर में बदल जाएगा ना, छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा ना। या जो है आपका सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड सॉल्ट ड्राई सॉलिड सॉल्ट है, ड्राई सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल ड्राई सॉलिड एक हैमर मारिए क्या होगा, ब्रेक ब्रोकन इनटू पीसेस ना, ठीक है। या कोल है, कोल ना एक्सेट्रा, ठीक है। तो अच्छा, कुछ मटेरियल होते हैं जिन पर कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, है कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिन पर थोड़ा फोर्स लगाने पर क्या होता है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है ना, जैसे प्लास्टिक रबड़ स्टीरिंग पर थोड़ा सा फोर्स लगाए बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ती है, उतना फोर्स आप स्टीरिंग वायर पर लगाए तो लेंथ बहुत कम चेंज होगा, ठीक है। तो देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर अप्लाइंग रिबारिंग फोर्स इंक्रीजेज इट्स लेंथ मेनी टाइम्स सेवरल टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा फोर्स लगाने होते हैं तो उनकी लेंथ जो है सेवरल टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ बढ़ जाती है ना, ठीक है। जैसे एक मीटर का वायर लीजिए लगा हुआ है, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो 2 मीटर हो जाएगा, और लगाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा ना, हाँ। और जैसे आप फोर्स हटाइएगा फिर अपनी इनिशियल लेंथ ले लेता है, रबड़ क्या करता है बताओ, फिर अपनी इनिशियल लेंथ ले लेगा ना, ठीक है। तो देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर अप्लाइंग स्मार्ट डिफरेंस फोर्स चेंजेस इट्स लेंथ सेवरल टाइम ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ एंड आर रिमूविंग the force they get exact length na such but acha or after a certain defined force they broken suddenly na ek certain defined force ke baad thoda sa bhi force badhayega to tod bhi jate jaldi jaise rabad badhte jaye chhod diye initial length le lega aur badhayega aur length badh jayegi chhod diye phir initial length le lega aur badhaoge aur length badh jayegi na theek hai phir chhod diye phir initial length le lega ठीक, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है ये टूट भी जाता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। एक लिमिट के बाद जो है फोर्स लगाइएगा जैसे उसे टूट जाएगा। तो इसमें जो है
देखिए स्टेज की तो वैल्यू बहुत कम है, देखिए स्टेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन स्टेज बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है या ब्रेकिंग स्टेज से वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग स्टेज आपका डी है, डी जो है बी के क्लोज, डी जो है बी के क्लोज है ना। तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक रीजन छोटा होता है, प्लास्टिक रीजन इसमें भी छोटा होता है ना, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा बट इसकी कंपेरिजन बहुत ही कम है। तो प्लास्टिक ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट है। और इसे प्रोपोर्शनलेशन नेगेटिव होता है, बहुत ही कम रहेगा प्रोपोर्शनलेशन, ऐसे मटेरियल जो होता है बहुत कम रहता है ठीक है। और तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ये मटेरियल जो है इलास्टोमर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इलास्टोमर्स ठीक है। तो जैसे आपका रबर हो गया इलास्टोमर्स, या जो है आर्टरीज, लार्ज आर्टरीज व्हिच ड्रेन योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे हार्ट, हार्ट के अंदर जो है हार्ट से निकलने वाले ब्लड को जो आर्टरीज ले जाती है पूरे पूरे बॉडी में है। जैसे आपका हार्ट पंप करता है तो क्या होता है, मतलब ब्लड जो बॉडी में जाता है फिर पूरे बॉडी से हार्ट के अंदर आता है, इकट्ठा होता है ना। तो जो आर्टरीज ले जाती है वो भी इलास्टोमर्स है, क्या है इलास्टोमर्स है। इनके लिए था बढ़ते जाइए, जितना आप बढ़ाएंगे जल्दी से टूटेंगे, ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं जल्दी से टूटते नहीं है ठीक है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक वर्क करती रहती है बॉडी के अंदर ठीक है। तो ये आपका इसको आरोटा कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे आर्टरीज को क्या कहते हैं आरोटा, आरोटा टिश्यूज आप आरोटा टिश्यू आप आरोटा इसमें आएगा इलास्टोमर्स से, इलास्टोमर्स में क्या बनेगा टिश्यू आप आरोटा टिश्यू ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वेन्स होते हैं व्हिच ब्रिंग्स योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है। ये जल्दी से देखिए इनको आप खींचते रहिए जल्दी टूटेंगे ठीक है। और कौन आएगा, रबर, इस कटेगरी में कौन होता है रबर आता है। तो रबर के ऊपर आप थोड़ा फोर्स लगेगा देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस सेवरल टाइम ऑफ द स्किन से लेंथ ठीक है। तो इस टाइप से लेकिन इनका जो ब्रेकिंग स्टेज है वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट होता है, इसलिए इलास्टिक लिमिट के अंदर इनकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होती है बट ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। जैसे इलास्टिक लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। तो इस टाइप से इनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, प्लास्टिक रीजन जो होता है बहुत छोटा ठीक है। ये चीज दिखाया गया बी सी डी पार्ट इज ग्रीस ठीक है। तो दस मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज स्ट्रेंथ पर। सब मटेरियल है लॉन्गर प्लास्टिक रीजन बी सी डी और तीन मटेरियल आर नोन एज डक्टाइल ठीक है। सब मटेरियल है वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक पॉइंट ठीक है। इलास्टिक लिमिट तो सब मटेरियल आर नोन एज ब्रिटल मटेरियल एंड सम मटेरियल्स स्ट्रेसेस टू मेनी टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ ऑन अप्लाइंग वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स ठीक है। तो सच एंड ब्रेक वेरी सून आफ्टर सर्टेन लिमिट आफ्टर इलास्टिक लिमिट ठीक है। और तो सच मटेरियल आल्सो हैव वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन दिस मटेरियल्स आर नोन एज इलास्टोमर्स, मटेरियल क्या कहलाते हैं इलास्टोमर्स ठीक है। तो चलिए इसको बना लीजिए हाँ।